देव क्लास में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से आप इस समय देख पा रहे हैं स्टोरियों का एक लंबी श्रृंखला, जिसमें हमने एक कसम खाई है कि हम आपको स्टोरी सिखा कर ही दम लेंगे और 100% गारंटी है कि आप स्टोरी जरूर सीखेंगे, परंतु आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। किसी भी क्वेरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप अपना नाम, अपना विद्यालय, अपनी क्लास और अपनी समस्या को लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका समाधान भी आपको दिया जाएगा। यदि आपको स्टोरी पसंद आए और यदि आपको लगे आपके लिए हेल्पफुल है और आपने कुछ सीखा है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो, इसमें हम आपको दो वीडियो बताएंगे। आज की इस टॉपिक में दो नहीं, हम एक ही बताएंगे, क्योंकि हर टॉपिक को हम अलग अलग वीडियो के द्वारा दिखा रहे हैं। तो पहले वीडियो हमारी, बरसात का मौसम होने के बावजूद भी बारिश नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर दो वाक्य हैं आपका, बारिश नहीं हो पा रही थी और एक जुड़ा हुआ है बरसात का मौसम होने के बावजूद। तो ऐसे वाक्यों में से दोनों वाक्यों को अलग अलग बनाते हैं, तो बना दीजिए आप। इन स्पाइट ऑफ माने होता है के बावजूद, एन स्पाइट SPIT स्पाइट ऑफ Being rainy season, rainy season, it was not raining. Raining. In spite of माने होता है के बावजूद, being rainy season माने बारिश की मौसम के, बारिश के मौसम के बावजूद इट वॉज नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही थी। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, कौन परेशान थे, लोग परेशान थे। तो द पीपुल वेयर ट्रबल्ड, ट्रबल्ड माने होता है परेशान होना, TROUBLED ट्रबल्ड, बिकॉज because of extremely heat, अत्यधिक गर्मी। इसके स्थान पर आप fierce भी कर सकते हैं, FIERCE, ये भी आप कर सकते हैं, आपको जो मीनिंग सरल लगे आप वो कर दीजिएगा। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, कौन परेशान थे, लोग। तो द पीपुल वेयर ट्रबल्ड माने परेशान थे, बिकॉज माने क्योंकि, ऑफ एक्सट्रीमली हॉट माने अत्यधिक गर्मी से। लेकिन अचानक एक शाम मौसम बदल गया, लेकिन क्यों हो जाएगी, बट सडनली SUDDENLY बट सडनली वन इवनिंग द वेदर चेंज, द वेदर Changed, मौसम कैसा हो गया, बदल गया। बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, वन इवनिंग माने एक सुबह, द वेदर माने मौसम, चेंज्ड माने बदल गया। ईडी लगा हुआ है क्योंकि ये वाक आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। अगला क्या है, एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के मोहल्ले भर गए थे। कौन भर गए थे, खेत भर गए थे, मैदान भर गए थे और मोहल्ले भर गए थे। तो यही आपके कर्ता भी बनेंगे, तो फील्ड्स FIELDS फील्ड्स एंड ग्राउंड, ग्राउंड एंड मैनी मैनी लोकेशन ऑफ सिटीज, लोकेशन ऑफ सिटी मतलब शहर के बहुत से मोहल्ले, फील्ड FIELDS filled with water, water because of heavy rain of one
वी। फिर से देखिएगा इसको, ये वाक्य थोड़ा सा कठिन है और बड़ा भी है, लेकिन आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है, एक सप्ताह की तेज बारिश से खेत एवं मैदान और शहर के मोहल्ले पानी से भर गए थे। कौन कौन भर गए थे? खेत भर गए थे मतलब फील्ड, एंड ग्राउंड माने मैदान, एंड मैनी लोकेशन ऑफ सिटी और शहर की बहुत सी लोकेशन, लोकेशन का मतलब मोहल्ले कह सकते हैं। फील्ड माने भर गए थे, विथ वाटर माने पानी के साथ, बिकॉज माने क्योंकि, ऑफ हैवी रेन माने भारी बारिश, ऑफ वन वीक माने एक सप्ताह तक हुई थी। तो फिर से हम इसी को शुरुआत से पढ़ेंगे। इन स्पाइट ऑफ बींग रेनी सीजन इट वॉज नॉट रेनिंग, द पीपुल वेयर ट्रबल्ड बिकॉज द एक्सट्रीमली हीट, बट सडनली वन इवनिंग द वेदर चेंज्ड, फील्ड एंड ग्राउंड एंड मैनी लोकेशन ऑफ सिटीज हो गए यहाँ पर, फील्ड विथ वाटर बिकॉज इट हैवी रेन ऑफ वन वीक। उम्मीद करते हैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज समझ में आई होंगी। अगर इनमें से किसी भी अक्षर की अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं, वाक्य समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई अन्य समस्या भी है तो भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टोरी आपको पसंद आई होगी। आप यदि पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। चलते हैं अगले वीडियो के क्रम में। ये जो प्रयागराज वाली आप वीडियो देख पा रहे हैं, जिससे हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो आप उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।